तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? ठीक है, क्या कंसेप्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का? सिंपल सा लॉजिक है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होगा, गुंजन, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होगा तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी। याद करो, जिस दिन मैंने तुम लोग को रेजिस्टेंस पढ़ाया था उस दिन मैंने एक बात बोली थी, जैसे 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 मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है, जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता, रेजिस्टेंस करंट को मूव करने नहीं देता। ओके ना, जब करंट किसी रेजिस्टर से मूव करता है, जब करंट किसी रेजिस्टर से क्या करता है, मूव करता है, तो क्योंकि उसको रेजिस्टेंस फ्लो करने नहीं देता, इसलिए उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोलता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलता है व्हेन एवर करंट इज पास्ड थ्रू अ रेजिस्टर, वेन एवर अ करंट इज पास्ड थ्रू अ रेजिस्टर, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। रेजिस्टर में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, यानी कि यूजेस होते हैं। तो ऐसे कौन से यूजेस होते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के? तो हमारा जो वाटर हीटर होता है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना? तो सबसे पहला होता है क्या, हमारा वाटर हीटर, हमारा गीजर, हमारी इलेक्ट्रिक आयन, ठीक है ना? इस तरीके की जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस होती है हमारे घर में, जो हीटर्स यूज होते हैं, ठीक है, ठंड में टाइम हीटर्स यूज होते हैं, ये सब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना? अब सिंपल सा लॉजिक है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है क्या कि ये सारी डिवाइसेस जब भी बनती हैं, या इनके जो यू नो फिलामेंट्स रहते हैं, चाहे वो हमारा बल्ब हो गया, बल्ब भी किस बेसिस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं, ये देखना हमेशा, ये या तो किसी की अलॉय की बनती है, ठीक है ना, या फिर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का क्यों बनता है, या फिर तुमको आएगा कि ये जो फिलामेंट होता है ये निक्रोम का क्यों बनता है, ठीक है ना? तो ये सारे सवाल जब आते हैं, सर बेटा छोटा सा लॉजिक रहता है कि जो अलॉय रहते हैं उनका जो रेजिस्टेंस रहता है वो किससे ज्यादा होता है? प्योर मेटल से ज्यादा होता है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। तो प्योर मेटल से इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग हीट भी क्या करते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड रीजन होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, यानी कि कितना भी हीट कर लेते हैं ये पिघलते नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा रीजन होता है वो ये होता है, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। दे डू नॉट
undergo oxidation. They do not undergo oxidation even at high temperatures. ठीक है, तो ये high temperature पे भी oxidation undergo नहीं करते. Oxidation मतलब क्या बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी जो सरफेस होगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी जो सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? ब्लैक हो सकती है या खराब हो सकती है. इसलिए हम लोग एक ऐसी चीज लेते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे, सो दैट उस चीज की क्या रहे, हाई लाइफ जो रहे हमेशा क्या रहे, ज्यादा रहे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है किस में? फ्यूज में. ठीक है ना, जब हम लोग फ्यूज की बात करते हैं तो फ्यूज इज नथिंग बट अ वायर. ठीक है ना, ये लेकिन जो वायर होती है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी. क्या फायदा होता है एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर लेने का जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है? बहुत बढ़िया, कि जब भी सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. व्हेनेवर द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, व्हेनेवर द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, जब भी सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा. जब भी सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, तो इट हीट्स अप एंड मेल्ट्स. इट हीट्स अप एंड मेल्ट्स, ये गर्म होती है और ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. ये गर्म हो जाती है और क्या हो जाती है, मेल्ट. ठीक है ना, अब जब ये गर्म हो जाती है और क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो इससे क्या होता है, द सर्किट ब्रेक्स. तो सर्किट हम क्यों तोड़ना है बेटा? ताकि जब करंट ज्यादा हो जाए तो वो किसी भी अप्लायंस में बहुत ज्यादा करंट नहीं जाए. अगर किसी भी अप्लायंस में बहुत ज्यादा करंट जाएगा तो वो अप्लायंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हो सकता है उसमें आग भी लग जाए. आई बस समझ में? द एक्सेसिव करंट does not flow through the circuit. The excessive current does not flow through the circuit and prevents fire. Is it clear everyone? एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट एनर्जी का फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला? हीट एनर्जी का. और उसी के पैरेलल हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर. ठीक है ना, तो सबसे सा लॉजिक है बेटा, हमेशा दुनिया में कोई भी एनर्जी होती है, चाहे वो हीट एनर्जी ही क्यों ना हो, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, वर्क डन के. वो हमेशा किसके इक्वल होती है, वर्क डन के. ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने जब पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो हम लोगों ने बोला था दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज. देयरफॉर वर्क डन वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना, पोटेंशियल इनटू चार्ज. अगेन जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी. देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू आई इनटू टी. यानी कि इस Q की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, IT लिख सकती हूँ. तो मेरा जो नया हीट का फॉर्मूला बना, वो क्या बना, V into I into T. क्लियर? हाँ, बट अगर हम लोग बोले ओम्स लॉ पे ध्यान देते कभी तो हमें समझ में आता दैट V इज इक्वल्स टू कितना, IR. V इज इक्वल्स टू कितना, IR. तो इस V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, I into R. तो हो जाएगा I into R into I into T would be equal to I square R T. Next. फिर हमने देखा कि नहीं, ऐसा क्यों V equals to IR?
हम लोग आई को भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। अगर वी इक्वल्स टू आई आर होता है तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन में आर। तो यहाँ पर मैं करंट की जगह क्या लिख दूंगी, पोटेंशियल की जगह तो पोटेंशियल रखूंगी लेकिन करंट की जगह रख दूंगी वी अपॉन में आर इंटू टी। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। इज इट क्लियर? तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास हीट एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए बेटा। ये पहला पोटेंशियल इंटू चार्ज, मेरा फॉर्मूला नंबर वन। दूसरा वी इंटू आई इंटू टी, मेरा फॉर्मूला नंबर टू। तीसरा आई स्क्वायर आर टी, मेरा फॉर्मूला नंबर थ्री। और चौथा वी स्क्वायर बाय आर टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिनको ये समझ में नहीं आया वी स्क्वायर बाय आर टी कैसे आया, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था वी इंटू आई इंटू टी। अब अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो वी इज इक्वल्स टू आई आर, दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आर। ठीक है, दैट मीन्स वी इंटू वी बाय आर इंटू टी। तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय आर टी। इतना बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द करंट बी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड सी टाइम ड्यूरिंग विच करंट इज पास्ट। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये बात तो हमें इस फॉर्मूला में वैसे भी दिखी रही थी और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ओके पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, पावर। जब हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर रेट एट विच, रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, अब समझो चारों डेफिनेशन का मतलब क्या है। एक छोटा सा सिंपल सा मीनिंग है इसका, दैट पावर इज इक्वल्स टू, दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। लेकिन अगर थोड़ा सा याद हो, जब हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था
तो हम लोगों ने बोला था कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है, तो वर्क डन की जगह मैंने लिखा पोटेंशियल इनटू चार्ज अपॉन में क्या लिख दिया टाइम। ऐसा क्यों किया? बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। लेकिन अगर और याद हो तो हमने लिखा था आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो क्या मुझे यहाँ पे क्यू बाय टी दिख रहा है? तो क्या इस क्यू बाय टी को आई के इक्वल रख दूँ? हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वी इन टू आई। लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से तो वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई इन टू आर। तो इस वी की जगह क्या लिख दूंगी? आई इन टू आर इन टू आई विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओके, और वी इन टू वी बाय आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये सारे फॉर्मूले डिराइव है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, सो दीज आर योर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर पावर। फॉर्मूला नंबर 1 वर्क डन अपॉन में टाइम, फॉर्मूला नंबर 2 वी क्यू बाय टी, फॉर्मूला नंबर 3 वी इन टू आई, फॉर्मूला नंबर 4 आई स्क्वायर आर, और फॉर्मूला नंबर 5 वी स्क्वायर अपॉन में आर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो पावर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो हम लोग लिखेंगे दैट यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, एंड 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। क्यों बताइए कहानी? क्योंकि अगर एग्जाम में 1 वॉट को डिफाइन करने आता है तो हम लोग 1 वॉट को कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग लिखते हैं 1 वॉट is the power of an appliance. 1 watt is the power of an upon me 1 second. 1 watt is the power of an appliance that consumes energy at the rate of 1 joule per second. जो ऑब्जेक्ट 1 second में 1 joule ऑफ एनर्जी कवर कर लेता है, जो ऑब्जेक्ट 1 joule में 1 second जितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी पावर कितनी है? 1 watt है। इज इट क्लियर? एक चीज और याद रखना, 1 horse power इज इक्वल्स टू 746 watt. 1 horse power is equals to 746 watt. Horsepower is basically a unit. चलो, commercial unit of energy क्या होती है? unit. जब आप बोलते हो कि हमारे घर में 50 unit बिजली जला, 100 unit बिजली जला, तो उसका मतलब क्या होता है? तो बेटा हम लोग बोलते हैं that commercial unit of energy, commercial unit of energy is 1 unit, whereby 1 unit is equals to 1 unit is equals to 1 kilowatt hour. That means 1000 watt into 3600 seconds. That means 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 watt second, which is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. तो कुल मिला के क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि एक यूनिट में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी कवर हो जाती है? 3.6 into 10 to the power 6. Is it clear everyone?